नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि घर में मौजूद चीजों से आप किस तरह डेली अपने फेस की केयर कर सकते हैं ताकि आपका लुक हमेशा ब्यूटीफुल और यूथफुल बना रहे। तो फ्रेंड्स, डेली फेस केयर की शुरुआत हम करेंगे फेस क्लीनिंग से। इसके लिए एक बड़े से कॉटन पीस को गुलाब जल में डिप करके पूरे फेस को इस तरह रब करते हुए क्लीन कीजिए। इससे फेस से डस्ट, डर्ट और एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाता है। गुलाब जल फेस की स्किन को बहुत अच्छी तरह हाइड्रेट भी करता है, जिससे फेस की डलनेस खत्म होती है और ये फेस पर ग्लो भी लाता है। क्लीनिंग के बाद अब बारी है फेशियल मसाज की। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच दूध लीजिए और इस तरह सर्कुलर मोशन में पूरे फेस की तब तक मसाज कीजिए जब तक कि आपकी स्किन इस मिल्क को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर ले। मिल्क मसाज के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये भी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन का कालापन दूर करता है, धूप में निकलने के कारण होने वाली टैनिंग को कम करता है और फेस पर ग्लो भी लाता है। दूध से फेशियल मसाज करने के बाद 5 मिनट के लिए आराम से बैठिए। उसके बाद एक स्पॉन्ज को नॉर्मल टैप वाटर में डिप करके अच्छी तरह फेस क्लीन कीजिए। इससे दूध के साथ पोर्स में छिपी गंदगी और थोड़ी बहुत डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। अब बारी है स्क्रबिंग की। इसके लिए 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाइए और 1/2 चम्मच चीनी डालिए। चीनी को इसमें घोलना नहीं है, बल्कि चीनी के दाने इसमें मौजूद रहने चाहिए। इस होममेड स्क्रब को आप बड़ी इजीली अपने हाथों से ही इस तरह फेस पर और नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर सर्कुलर मोशन में इस तरह रबिंग करते हुए प्रॉपर स्क्रबिंग कीजिए। इस होममेड स्क्रब में मौजूद चीनी आपके फेस से डेड स्किन पूरी तरह रिमूव कर देगी, लेमन टैनिंग को दूर करेगा और ऑलिव ऑयल आपके फेस को एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराएगा और सॉफ्ट भी बनाएगा। ये ध्यान रखिए कि स्क्रबिंग बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं करनी है, नहीं तो चीनी के दाने आपके स्किन पर रैशेस बना देंगे। करीब 5 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद टैप वाटर से अपना फेस धो लीजिए। स्क्रबिंग के बाद अब स्टीम लेने की बारी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप डेली रूटीन में एक बर्तन में पानी गर्म करके इस तरह भी स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने से क्लोज पोर्स खुल जाते हैं, जिससे उनकी बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है और ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी इजीली बाहर निकल आते हैं। 5 मिनट स्टीम लेने के बाद टिश्यू पेपर से अपना फेस ड्राई कर लीजिए। इस सब के बाद अब बारी है फेस मसाज की। इसके लिए मैं फेशियल मसाज क्रीम यूज कर रही हूँ। ये क्रीम आप इस तरह हथेली में लेकर डॉट्स के पैटर्न में पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कीजिए और फिर 5 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। जरूरत लगने पर आप हाथ से थोड़ा गुलाब जल लेकर मसाज करेंगे तो फेस पर हाथ अच्छी तरह से चलेंगे। बस आप अपनी फेशियल स्किन को एक बहुत अच्छा टेक्सचर और ग्लो देने के लिए 5 मिनट के लिए एक फेस मास्क भी अप्लाई करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हनी अपनी हथेली पर लीजिए और इसमें 5-7 बूंदे लेमन जूस की मिक्स कीजिए। इसे अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और 5-7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना फेस वॉश कीजिए और टॉवल से पैड ड्राई कीजिए। जरूरत लगे तो एकदम थोड़ी क्वांटिटी में अपनी पसंद की मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ब्यूटी टिप्स देखते रहने के लिए आज ही जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।